मेरा 8 साल का कैरियर है गैस, नो डाउट इसके पहले डिग्री है, इसके पहले मास्टर्स है, तो लगभग 12-15 साल के कैरियर में जो मैंने बुक्स अच्छी पाई हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका मन करे तो उनको आप ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करिए। जो आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं कौन सी बुक पढ़ूँ? कई लोग बोलते हैं सर मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अच्छा करना है, बेस्ट करना है, उसके लिए मैं कौन सी बुक पढ़ूँ? कई लोग बोलते हैं सर मैं BIM में मुझे अच्छा करना है तो मैं कौन सा बुक पढ़ूँ? कई लोग बोलते हैं सर मुझे साइट पर अच्छा काम करना है, अच्छे तरीके से वर्क करना है, उसके लिए मैं कौन सा बुक रिकमेंड करूँ? तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कस्टमर, आप देख रहे हैं यूनिट्स में सेल्फ। गाइस आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर मुझे बेसिक सिविल इंजीनियरिंग को स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं कौन सी बुक पढूं? कई लोग बोलते हैं सर मुझे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में अच्छा करना है, बेस्ट करना है, उसके लिए मैं कौन सी बुक पढूं? कई लोग बोलते हैं सर मैं BIM में मुझे अच्छा करना है तो मैं कौन सा बुक पढूं? कई लोग बोलते हैं सर मुझे साइट पर अच्छा काम करना है, अच्छे तरीके से वर्क करना है, उसके लिए मैं कौन सा बुक रिकमेंड करूं? तो गाइस मैं कोई बुक का स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं, जस्ट आप लोगों ने जो कमेंट किया था उसका आंसर दे रहा हूं। तो सबसे अच्छी जो बुक्स जो मैंने, क्योंकि मेरा 8 साल का कैरियर है गाइस, नो डाउट इसके पहले डिग्री है, इसके पहले मास्टर्स है, तो लगभग 12-15 साल के कैरियर में जो मैंने बुक्स अच्छी पाई हैं वो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आपका मन करे तो उनको आप ले सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड करिए, जो आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, बाकी मैं लिंक दे दूंगा जो आपको कंफर्टेबल हो कर सकते हैं। गाइस अगर आपको साइट का स्टार्ट टू एंड सब कुछ जानना हो, स्टेप वाइज जानना हो, कैसे काम करेंगे प्लम्बिंग का, कैसे काम करेंगे कॉलम लेआउट का, कैसे काम करेंगे सर्वेइंग का, कैसे काम करेंगे लैंडस्केपिंग का, हर एक काम अगर साइट का स्टेप वाइज स्टेप सीखना है, इलेक्ट्रिकल काम कैसे करवाएंगे, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर लगेंगे, क्या क्या लाइसेंस लगेंगे, तो साइट का काम सीखने के लिए अब तक में मुझे सबसे बेहतरीन अगर कोई बुक दिखी है गाइस तो वो बुक है ये। कोई भी अगर पढ़ा हुआ है तो कमेंट करना कि सर मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन बुक है गाइस, A to Z प्रैक्टिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप लोगों ने वो पूछा था इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन है, थोड़ी सी कॉस्टली बुक है, अगर आप इसको ऑर्डर करेंगे तो मुझे लगता है आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस बुक से, इसलिए मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करूंगा। A to Z प्रैक्टिकल ओरिएंटेड बुक है, पूरी साइट इंजीनियरिंग की पूरी नॉलेज ही नॉलेज है, ठीक है। इसको देखने के बाद ऐसा लगता है जैसे कि साइट का पूरा काम एकदम पिक्चराइज हो चुका है, बहुत बेहतरीन है। नेक्स्ट गाइस, कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे अपना बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग करना है, तो भाई अगर आपको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग करना है मतलब हर डोमेन का बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, तो काफी लोगों ने BC प्लम्बिया पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में वो बुक को लिखते हैं, तो ये बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको जिसको पूरी बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग करनी है, हर डोमेन को थोड़ा थोड़ा एक तरीके से ब्रशअप करना है, तो ब्रशअप करने के लिए आप बेसिक सिविल इंजीनियरिंग के अंदर इस बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं। ये बुक काफी अच्छी है, मुझे BC प्लम्बिया क्यों अच्छे लगते हैं क्योंकि बहुत ही सिंपल वर्ड में ये आंसर्स करते हैं। बहुत सी बुक और भी है बट वो बहुत टफ वर्ड यूज कर लेते हैं कभी कभी, जैसे टाटा मैकग्रा हिल वगैरह की जो बुक्स हैं बहुत टफ वर्ड हो जाते हैं, BC पुणे में बहुत सिंपल वर्ड में बेहतरीन चीज आपको बता जाते हैं। तो ये दूसरी बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा जिनको बेसिक सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रॉन्ग करना है। आप बोलोगे सर क्या बोलते हैं अगर मुझे स्ट्रक्चर्स में करियर बनाना है, तो भाई स्ट्रक्चर के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र बुक अगर कोई मुझे मिली है अभी तक तो ये है। इतने कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं, मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है इस बुक को, ठीक है। वैसे तो मैंने संदीप मंत्री भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इलस्ट्रेटर G+C मैनुअल डिजाइनिंग डॉक्टर VSR की क्या लाजवाब बुक है, मतलब पूरा का पूरा मैनुअल बिल्डिंग्स कैसे डिजाइन करना है, स्टेप वाइज से रिलेटेड शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन, सब कुछ इस बुक में भर भर के दिया हुआ है। ये बुक थोड़ी सी हाई ग्रेड की है, मतलब जो लोग पहली बार से पढ़ेंगे शायद उनको कम समझ में आएगा, जिनकी अच्छी स्ट्रक्चर्स में पकड़ है उनके लिए काफी बेहतरीन बुक है। तो मैं बस ये तीन ही बुक्स रिकमेंड करूंगा। कई लोग बोलेंगे सर स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के लिए क्या ये बुक सफिशियंट है? यस, ये बुक सफिशियंट है। आप और इजी वे में चाहें तो हमारे गुरुकुल प्रोग्राम जो 4 मंथ का है 100% उससे पूरा काम हो जाएगा। बाकी कई लोग बोले सर मैं BIM में अपना करियर बनाना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूँ? तो भाई BIM अगर आपको चाहिए तो मेरे पास बुक्स का पूरा सेट है, वो क्या क्योंकि BIM की बुक्स बहुत कॉस्टली आती हैं, आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप दिया हो, इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लेना, जस्ट एक मैसेज डाल देना सर BIM सॉफ्ट बुक, तो मैं आपको जो अच्छी अच्छी बुक्स BIM की मेरे पास हैं वो सारे शेयर कर दूंगा और बहुत बेहतरीन बेहतरीन है, उसको परचेस करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्स में कैरियर बनाना है तो इसको ले लो, इसके अलावा मैं वैसे आपको अगर गुरुकुल में है तो इसकी जरूरत है नहीं, बट अगर आपको पढ़ना ही है एक्स्ट्रा तो पढ़िए, कोई बहुत बुराई बात नहीं है, अच्छी बात है। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग जिसका पूरा खुल गया हो वो लोग इस बुक को रिकमेंड करिए, जिसको साइट का काम तुरंत के तुरंत सीखना है या तो फिर आपको समय वेस्ट नहीं करना, जल्दी जल्दी जानना है तो आप इस बुक को रिकमेंड कर लीजिए। ऐसा लगे जैसे कोई प्रैक्टिकल काम कर रहे हो उस लेवल की बुक है गाइस। तो तीनों ही बुक मेरी ही फेवरेट है, तो मैंने आपको साथ शेयर किया क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था। किसी और भी चीज़ की बुक का आप पूछना चाहते हैं आप नीचे कमेंट करिएगा। कई लोग बोल रहे थे सर लैपटॉप के लिए क्या, लैपटॉप के बारे में सच में आप जानना चाहते हैं तो मैं 8-10 लैपटॉप का सेक्शन बना दूँ जो सबसे बेस्ट लैपटॉप है, अगर आप चाहो तो हम बना देंगे। बाकी इनकी अगर सॉफ्ट कॉपी मिल जाए तो आप कर लीजिए अपने हिसाब से, हार्ड कॉपी के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। और साथ ही साथ कोई और भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट करके बताना, जिससे कि अपकमिंग डेज में हम उन टॉपिक्स पे वीडियो कवर कर सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।